भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ से पहले ही 4 बड़े फैसले करने की तैयारी में है। कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों में चलाई गई लोक लुभावन स्कीमों को बंद करना लगभग तय माना जा रहा है। इस मामले में मंत्रियों की कमेटी भी जल्द रिपोर्ट देने वाली है। मुफ्त स्मार्टफोन योजना, मुफ्त राशन किट, एसआई भर्ती, गहलोत राज के जिलों और वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भजनलाल सरकार जल्द फैसला करने की तैयारी में है। गहलोत राज के आखिरी 6 महीनों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा हो चुका है। रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट फाइनल कर जल्द ही सीएम भजनलाल शर्मा को ये रिपोर्ट सौंपेगी। उस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस राज के आखिरी 6 महीनों में किए गए फैसलों को रद्द करने या फिर जारी रखने पर फैसला होगा। चलिए जानते हैं उपचुनाव के बाद कौन से बड़े फैसले हैं जो आगामी दिनों में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज की महिलाओं को दिए जाने वाले फ्री स्मार्टफोन की योजना को बंद करने के पक्ष में है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में इस स्कीम को बंद करने की सिफारिश कर सकती है। कमेटी का मानना है कि चुनावी वक्त में लॉन्च की गई ऐसी स्कीम को जारी रखने का औचित्य नहीं है। इसके अलावा फ्री राशन किट स्कीम को भी कमेटी आगे जारी रखने के पक्ष में नहीं है। इन दोनों स्कीमों को कांग्रेस राज में चुनावी साल के दौरान शुरू किया गया था, यानी कि फ्री राशन किट योजना और फ्री स्मार्टफोन योजना सरकार बंद कर सकती है। वैसे तो ये दोनों ही योजनाएं बंद है, लेकिन कागजों में इन योजनाओं को अभी फिलहाल बंद नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस राज के दौरान बनाए गए जिलों के रिव्यू का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जिलों के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कांग्रेस राज के दौरान बनाए गए आधा दर्जन छोटे जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने की सिफारिश होना लगभग तय माना जा रहा है। जिलों की रिव्यू कमेटी में शामिल मंत्रियों ने कई बार इस बात के संकेत दिए हैं कि गहलोत राज के छोटे जिलों को मर्ज करना ही बेहतर रहेगा, यानी कि छोटे जिले खत्म होंगे। केवल उन्हीं जिलों को रखा जाएगा जो मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं, बाकी जिलों को पुराने जिलों में ही मर्ज करने की तैयारी है। इसके साथ ही राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार में अलग अलग स्तर पर तैयारियां चल रही है। जल्द ही इस पर फैसला किया जा सकता है। जनवरी में 6975 ग्राम पंचायतों और करीब 100 के आसपास शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में अगर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव कराने हैं तो जनवरी में जिन संस्थाओं के चुनाव बाकी है उन्हें आगे खिसकाना होगा। उस स्थिति में 6975 ग्राम पंचायत और 100 से ज्यादा शहरी निकायों में प्रशासक लगाने के लिए सरकार कानूनी जानकारों से विचार विमर्श कर रही है। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कई तरह की कानूनी दिक्कतें हैं। उन कानूनी दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसके साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने या नहीं करने को लेकर भी सरकार जल्द फैसला करने की तैयारी में है। तो देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, उपचुनाव के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें फ्री मोबाइल और फ्री राशन किट योजना बंद हो सकती है। इसके साथ ही कई छोटे जिलों को भी सरकार खत्म करने की तैयारी कर रही है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर भी इस कैबिनेट की बैठक में जल्द फैसला होना है।